गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तीनों मैं एक साथ इसलिए कह दिया ताकि जिस समय भी, जिस टाइम भी आप इस मेरे ट्यूटोरियल को देख रहे हो, उस समय आपको मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल करके सीसीटीवी कैमरा बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन को सीसीटीवी कैमरा कैसे बनाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन के प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में हमको एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए हमें टाइप करना है आईपी वेव कैम, आईपी वेव कैम। आईपी वेव कैम पे हम क्लिक करेंगे तो हमें सबसे फर्स्ट लिंक मिलेगा आईपी वेब कैम का। ये पावेल क्लोवच के नाम से ये बना हुआ है। इसकी रेटिंग 4.2 की गई हुई है और हम देखेंगे कि ये कैसे काम करेगा। तो हमको इसको पहले अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा। और जब हम इंस्टॉल के लिए क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपको इस तरह का कुछ स्क्रीन दिख रहा है हमारे एंड्रॉयड फ़ोन पर। तो आपको यहाँ से इंस्टॉल करना होता है। लेकिन बता दो कि मैंने अपने सेल फ़ोन में ऑलरेडी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखा है, तो इसलिए हम यहाँ से ओपन करेंगे। हम ओपन करते हैं तो हमें कुछ इस तरह के मेन्यूज़ दिखते हैं। इस मेन्यू को हम डाउन करेंगे तो सबसे नीचे हमें मिलेगा स्टार्ट सर्वर। हम स्टार्ट सर्वर पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हम स्टार्ट सर्वर पे क्लिक करेंगे तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। और वहाँ पे हमें, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस टाइप का कुछ लिंक शो कर रहा है, जैसे http://192.168.4.2, फिर हम कॉलन लगाएंगे 29, इस टाइप का कुछ आपको शो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि अपने URL के लिंक में, हम अपने URL के लिंक में इसको टाइप करेंगे यहाँ पे। तो हमको टाइप क्या करना है, 192.168.4.2.129। इसके बाद हम कॉलन का सिंबल लगाएंगे यहाँ पे और 8080 हमने यहाँ पे टाइप किया, क्योंकि ये जो लिंक है ये हमारे स्टार्ट सर्वर से मिला हुआ है। और हम जितनी बार अपने सर्वर को स्टार्ट करेंगे उतनी बार हमारे लिंक हो सकता है कि कुछ यहाँ पे 42 दे रहा है तो 43 हो जाए, 45 हो जाए, मतलब चेंज हो सकता है। बाकी ये 8080 आपके एंड्रॉयड फ़ोन में वो सर्वर के लिंक रहेंगे, ये आईपी एड्रेस की तरह से शो करता है। हम जैसे ही यहाँ पे अपने URL में इस आईपी एड्रेस टाइप के लिंक को हमने टाइप किया और यहाँ से हम इंटर करते हैं। इंटर करेंगे तो आपको आपके डेस्कटॉप पे, स्क्रीन पे कुछ इस टाइप का कंटेंट आपको शो करेगा, दिखेगा। तो आपको यहाँ से, जैसे ये फ्लैश दिख रहा है, ब्राउजर, जावा स्क्रिप्ट, तो हम यहाँ से जावा स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा एंड्रॉयड फ़ोन सीसीटीवी कैमरे में कन्वर्ट होगा। और जैसे ही ये कन्वर्ट होगा तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि मैं अपने ही सिस्टम को एंड्रॉयड के ज़रिए, मैं यहाँ से कैमरे से इसको रिकॉर्ड करूँगा और यहाँ से मेरा सिस्टम ही आपको दिखने को मिलेगा, क्योंकि मैं अपने सिस्टम को ही इस ट्यूटोरियल में दिखा रहा हूँ। आप चाहे तो कोई भी चीज़ देख सकते हैं, अपने घर का, चाहे अपनी ऑफिस, चाहे आपकी दुकान हो। तो हम क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या हमें दिखता है। आप देख रहे हैं कि ये मेरा सिस्टम है और हमने अपने सिस्टम पे इसको रखा हुआ है। और देखिए कि ये आपको
कितना बेहतरीन तरीके से ये शो कर रहा है। जैसे जैसे हम इसको मूव कर रहे हैं वैसे वैसे ये मूव होता जा रहा है। और देखिए आप, देखिए कैसे हम अपने डेस्कटॉप को यहाँ पे स्क्रीन ले रहे हैं, ये किसी सीसीटीवी कैमरे से कम नहीं है। देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी के साथ आपको शो कर रहा है। थोड़ा सा कमरे में अंधेरा है इसके वजह से थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है क्वालिटी, तो जिस तरह का वहाँ पे एनवायरनमेंट रहेगा, लाइट अच्छी रहती है तो लाइट उस तरह से क्वालिटी वीडियोस की दिखाएगा। और दोस्तों बता दो कि सबसे ख़ास बात यह है कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को सीसीटीवी कैमरा क्यों बनाएंगे। तो सपोज करिए कि आप जैसे ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, जैसे ही आप अपने ऑफिस में काम कर रहे होते हैं और मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका घर दिखे, आपके मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, आपके बीवी क्या कर रही है, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, तो एक्टिविटीज़ को देखने के लिए हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक ख़ास बात और है कि बताना चाहूँगा कि अगर आपको देखना है और सीसीटीवी कैमरा बनाना है तो आपके घर पे एक एक्स्ट्रा एंड्रॉयड फ़ोन की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक्स्ट्रा एंड्रॉयड फ़ोन रहेगा घर पे तभी आप सर्वर से कनेक्ट करा सकते हैं और सीसीटीवी कैमरे के जरिए आप देख सकते हैं, यानी कि अपने एंड्रॉयड फ़ोन को यूज करके अपने सिस्टम में देख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये ट्यूटोरियल आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके यूज़फुल हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू।